पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। आते हैं उनके 100 पुत्र थे लेकिन घर में कन्या कोई नहीं थी। काफी मिन्नते धर्म पूर्ण करने के कन्या ने जन्म लिया उनके घर पे। काफी खुशियां मनाई गई और उस राजा हिमाचल ने अपने दरबार में पंडित लोगों को बुलाया कि हे पंडित जी महाराज, घर में कन्या ने जन्म लिया, एक बार इसका भविष्य देखो, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा घरवाला मिलेगा, कितनी संतान होंगी। तो वे पंडित लोग उस माता गिरजा का, पार्वती का भविष्य बताते हैं राजा हिमाचल के सामने। और कैसे, क्या कहते हैं, क्या लिखा है, ये रे इसे लगन में जन्म होया, दिल कौन बेकार के इसे लगन में जन्म होया, दिल कुणबे का बहलावेगी, पर महाराज मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। के महाराज एक बात बता देते हैं आपको, ये या किशर राजा का नहीं ब्याई जाएगी। हे ब्राह्मण देव, या के बात कही, हर माँ बाप नुचा होगा उसकी बेटी बड़े से बड़े खानदान में जा, और मैं राजा हूँ, मैं राजा के ब्याहूंगा। मिला तू तो बता ना किस का ब्याह होगा, पर यार राजा का ब्याह ही नहीं जाएगी। किस ब्याह होगी यार, कड़ा ब्याह होगा। और के सुखना देखे यार, कैसे क्या कहते हैं पहली गली में, किसे दर्शनी ब्याही जागी, किसे दर्शनी ब्याही जागी, हर की माया है अपरंपार, सास ससुर का असुख देखना, देवर जेठ नहीं परिवार, मृग सिरा नक क्षेत्र इसका, हमने कर लिया खूब विचार, सुख थोड़ा भाग में पति रहेगा, तोर बता दे आपने के जिस दिन इसका ब्याह कर दिया ना, या दोबारा तेरी देड़ पर ही चढ़ेगी या
बोले महाराज या के बात कही, बोले या ठीक कवा फिल्म जिस दिन या तेरे ब्याह करके तेरी देड़ लांग दी ना इसने दोबारा तेरी देड़ पर नहीं चढ़ रही है, के करेगी यार, और क्या नाम पड़ेगा इसका, कैसे क्या लिखा है। ये गिरजा नाम पड़े इसका, गिरजा नाम पड़े इसका, गरीब पे ठिकाना रखेगी, सारी दुनिया हर रहे घूमती भगमा बाणा रखेगी, ब्याह पछना तेरे घर में या आना जाना रखेगी, इन दुखिया के दुख दूर करण में पति पहले का जीवन, और जब इसका ब्याह हो जाएगा ना, जब यह इतनी ठाठी हो जाएगी कि कोई दूसरा आत्मा इसके आसपास नहीं भटकेगी, कितनी ठाठी हो जाएगी या, और जिसका ब्याह जाएगी उसमें के खवा होगी, के ब्याह होगी, क्या कहते हैं तीसरी कली में क्या लिखा है। बता दी
एक बात और पूछना चाहूं, बोलो महाराज इसके कर्मा में है। बोले महाराज इसका छोरा होगा और ईसा छोरा होगा ना तास्ते किसे को यार ना आगे हो किसा छोरा होगा कैसे क्या कहते हैं चौथी बात में क्या लिखा है। लगन लगाई मौसीनाथ ने लगन लगाई मौसीनाथ ने तेरे लगन लगा के पैर हुए लगन लगाई मान सिंह ने लगन लगा के पैर हुए लगन लगाई लक्ष्मी चंद ने लगन लगा के शायर हुए लगन लगाई मांगे मन लगन लगा लेता